Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन. देखिए काइनेमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन. इसमें हम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम थ्री मेथड से डिराइव करेंगे और इस चैप्टर का कंप्लीट न्यूमेरिकल्स इसी इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड होता है. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम थ्री मेथड से डिराइव करेंगे. इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के इक्वेशन, मैथमेटिकल रिलेशन. तो हमारे पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं. इक्वेशन मोशन के थ्री इक्वेशन होते हैं और वन बाय वन हम इस क्वेश्चन को, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से इक्वेशन है. फर्स्ट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इज f इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वेयर. थर्ड इज v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस. ये इंट्रोडक्शन है इसका, थ्री इक्वेशन है. इसके बाद इसका अपन प्रूफ करेंगे. और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वेरिएबल्स कौन कौन सा क्या है, ये आपको ध्यान में रखना हमेशा. U is initial velocity, V is final velocity, A is acceleration. अभी मैंने पढ़ाते समय सबका सिंबल आपको क्लियर किया. And S is displacement. T is time. इतने वेरिएबल्स हमारे इसमें यूज हुए हैं. ये फाइव वेरिएबल्स U, V, A, S एंड T ये इक्वेशन में यूज होते हैं. एक बार रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे. U is initial velocity, V is final velocity, A is acceleration, S is displacement and T is time. अब वन बाय वन हम इसको डिराइव करेंगे तीनों इक्वेशन को. इसके डेरिवेशन के हमारे पास टू मेथड है, ग्राफिकल मेथड एंड सिंपल एल्जेब्रिक मेथड. मैं आपको दोनों तरीके से इसको डिराइव करके बताता हूँ. ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, तो ये आप ध्यान रखेंगे. सबसे पहले आप लर्न करिए थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द मीनिंग ऑफ इट्स सिंबल्स एंड आफ्टर दैट इट्स डेरिवेशन. क्लियर? नाउ फर्स्ट वी प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. प्रूफ और डेरिवेशन, प्रूफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. That means v equal u plus a t. प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ये तो एक लाइन का प्रूफ है. अभी मैंने इसका फार्मूला आपको बता ही दिया. सिंस वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. नाउ ट्रांसफर t इन दिस साइड, a into t equal to v minus u. That implies अब minus u को भी इधर ट्रांसफर कर लो तो इधर हो जाएगा v equal to u plus a t. ये हो जाएगा प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. बस बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है. एक्सेलरेशन का फार्मूला आप लीजिए, t और u को ट्रांसफर करिए, v equal to u plus a t. वो तो एक्सेलरेशन के फार्मूला से ऐसे डिराइव हो जाता है. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ईजी है. नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वेयर एंड इट्स प्रूफ. देखिए यहां पर u यूज हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ है. सबसे पहले हम यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी में, दैट मीन्स उसके पास टू वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल आल्सो. क्योंकि जब तक बॉडी के पास टू वेलोसिटी ना हो
इनिशियल एंड फाइनल बॉडी डिस्प्लेसमेंट करेगा नहीं। तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू। ये हो गया उसका एवरेज, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू। देयरफॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी स्पीड इंटू टाइम। यदि हम वेलोसिटी में या स्पीड में टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। दैट इक्वल एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस वी अपॉन टू, टाइम इज t। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखो, यहाँ पर v का वैल्यू u प्लस at है, तो ये जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v है, इसका वैल्यू हम यहाँ से ला के पुटअप कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे फाइनल इक्वेशन में v नहीं है, क्योंकि जो फाइनल इक्वेशन हमको डिराइव करना है उसमें आप देखिए v नहीं है, तो v को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देन इक्वेशन बिकम्स s इक्वल टू यू प्लस v का वैल्यू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी अपॉन टाइम इज टू और ब्रैकेट के बाहर में t। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो s इक्वल टू यू प्लस यू कितना हो जाएगा, 2u प्लस ए इंटू टी अपॉन टू इंटू टी। दैट इम्प्लाइज s इक्वल टू यू का दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ में, और यहाँ हो जाएगा u प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टू ए इंटू टी ब्रैकेट के बाहर t। दैट इम्प्लाइज अब t को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो s इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, वो यू टी, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन ए टी स्क्वेयर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और हम अब इन दोनों के हेल्प से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। देखिए वो कैसे डिराइव होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं आपको बहुत इजी वे में एडजस्टमेंट करके प्रूफ कर रहा हूँ। वैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन नियर अबाउट 7-8 स्टेप में बहुत सारे राइटर्स बुक में दिए रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ओनली 4 स्टेप में इसको क्लियर कर रहा हूँ। आप ध्यान देंगे किस तरह से दोनों फार्मूला को यूज करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको, देखिए प्रूफ आपका क्या करिए, सबसे पहले बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन ले लेते हैं। वो क्या था, वी इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन ऑफ मोशन के दोनों साइड को होल स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपांड होगा, तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू यू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपांड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। दैट इंप्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, यहां से हम 2a कॉमन करते हैं, ये दोनों टर्म्स में से यहां से हम 2a कॉमन करते हैं। 2a कॉमन करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 2 और ये a, ये कॉमन हो गए, तो यहां पर क्या बन जाएगा, u एंड t, ये हो गया ut प्लस। अब यहां से हमने 2 डिवाइड किया है, लेकिन यहां पर 2 है नहीं, 2 यहां, सॉरी 2 यहां से हमने कॉमन किया, तो 2 यहां पर है नहीं, तो 2 हमने न्यूमरेटर से कॉमन किया, डिनोमिनेटर में लिखा है, दैट मींस डिवाइड हो जाएगा, तो होगा 1/2, और यहाँ पर ये ए स्क्वायर है, एक ए यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा ए, और टी स्क्वायर यहाँ से बचा रहेगा ये, क्लियर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस टू ए और अंडर ब्रैकेट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अभी आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा है कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया वो क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है,
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या आएगा, दैट इंप्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, टू ए एस ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत आसान सा इसका डेरिवेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में हमने उसको डिराइव कर दिया। अदरवाइज इसको किस तरह से इसको डिराइव करते हैं, एक और मेथड इसका है कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं और यहाँ से टी का वैल्यू फाइंड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, उसको पुट अप करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत लेंदी हो जाता है। तो आप स्पेशली इसको केयर करेंगे कि मैंने इसको किस तरह से डिराइव किया है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिया और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने होल स्क्वेयरिंग कर दिया और टू ए कॉमन करके इसको एस बना दिया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये आसानी से प्रूफ हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के अपने पास दो तरीके हैं, वैसे तो तीन तरीके हैं, कैलकुलस का भी मेथड है लेकिन उसको आप 11th क्लास में पढ़ोगे। सेकंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। जैसे एग्जाम में यदि तो हमारे टीचर्स मान लो हमको पूछते हैं डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम फ्री हैं, लेकिन सपोज क्वेश्चन में बोल दिया डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ या बाय ग्राफिकल मेथड, तो हम बाउंडेड हो जाएंगे, तब हमको उसी मेथड से बनाना पड़ेगा, इसलिए उसको जानना जरूरी है। ऐसे भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन या मोशन के चैप्टर में ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो वन बाय वन अपन इसको डिराइव करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए यहां पर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले ग्राफ हमको एक ही ड्रा करना पड़ेगा तीनों मोशन के लिए, ग्राफ एक होगा और इसी ग्राफ के बेस पर तीनों प्रूफ होंगे। तो आप ध्यान देंगे मैं एक एक करके इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करूंगा, लेकिन ग्राफ एक ही रहेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये सपोज वाई एक्सिस है। अब यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉडी के वेलोसिटी को, ये इसका ओरिजिन है ओ। अब सपोज सबसे पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी को हमने यहाँ लिया, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी का पोजीशन है U, सपोज इस पॉइंट का नाम है A। अब उसने उस बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया और इस तरह से ये उसका फाइनल पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन पर ये इसका फाइनल पोजीशन है, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी है सपोज V, ये इसका फाइनल वेलोसिटी है। O से A इसका इनिशियल वेलोसिटी है, और ओ से सपोज ये ई पॉइंट है, ये पॉइंट को मैंने लिया बी, तो ये ओ से ई तक का इसका फाइनल वेलोसिटी है। अब क्या किया, यहां से हमने इस पर कंस्ट्रक्शन किया, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और यहां से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ये। तो सपोज हमको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये सी पॉइंट है सपोज, और ये डी पॉइंट है। हमने एक्स एक्सिस में लिया हुआ है टाइम, एक्स एक्सिस में टाइम लिया हुआ है, और वाई एक्सिस में लिया है वेलोसिटी, वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस में लिया हुआ है, और ओ से सी तक टाइम सपोज टी है। इस तरह से सबसे पहले आप ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्राफ में यहां पर कौन कौन सा वैल्यू क्या है, देखिए हियर हियर ओ टू ए दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी, दैट मीन्स ओ ए इक्वल टू सी डी इक्वल टू यू। ग्राफ में देखिए ये इसके इक्वल है, और ओ ई दैट इज इक्वल टू बी सी, ओ ई इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी इज वी, एंड ओ सी, ओ से सी तक का डिस्टेंस क्या है हमारा, टाइम है, तो ओ सी इज इक्वल टू ए डी, वो ए डी के भी इक्वल है, और क्या है टी है।
तो ये वेरिएबल्स को आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि ग्राफ जो हमने ड्रा किया है उसमें कौन कौन सा डिस्टेंस क्या है। तो ये दोनों डिस्टेंस यू की इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस वी की इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन डिराइव करते हैं। सबसे पहले इतना तो कॉमन रहेगा पूरे क्वेश्चन में, पूरे इक्वेशन में ये ग्राफ और ये सब में कॉमन है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को अपन प्रूफ कर रहे हैं। तो आप इस डिस्टेंस को देखिए, यहाँ पर जो BC डिस्टेंस है बी टू सी, बी सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। दैट इंप्लाइज BC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ग्राफ से देखें BC इक्वल टू क्या है, V है। तो हो जाएगा V इक्वल BD, BD का डिस्टेंस हमको पता नहीं तो सॉरी BD, हाँ BD हमको पता नहीं तो BD को BD रहने दीजिए। ये हो जाएगा BD और प्लस ये जो DC डिस्टेंस है या CD किसके इक्वल है, U की इक्वल है। ये हो जाएगा U, दैट इंप्लाइज BD इक्वल टू V माइनस U। ये सबसे पहले हम ये BD का वैल्यू निकालेंगे, B से D तक का वैल्यू, ये V माइनस U निकल गया, क्लियर। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन A इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन A इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये होता है। आप ध्यान रखेंगे कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो जो रेडिंग से मैंने यहां पर ग्राफ का स्लोप बनाया है इसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ कहते हैं उसको। तो एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है, दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन A इक्वल टू स्लोप, मतलब क्या होता है, झुकाव इसके साथ में। तो स्लोप ऑलवेज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर साइड एंड बेस साइड होता है, परपेंडिकुलर साइड और बेस के साइड का जो रेशियो होता है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ कहलाता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, परपेंडिकुलर है BD और इसका बेस है AD, दैट इंप्लाइज A इक्वल टू BD का वैल्यू हम यहां से निकाल कर रखे हैं V माइनस U, तो यहां पर हम पुट अप कर देंगे, ये हो जाएगा V माइनस U अपॉन AD, AD ग्राफ से आप देखिए AD किसके इक्वल है, T के इक्वल है। तो हो जाएगा T और इसको आगे हम सॉल्व कर दें तो दैट इंप्लाइज T को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा AT इक्वल टू V माइनस U, दैट इंप्लाइज V इक्वल टू U प्लस AT। ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ डिराइव हो जाता है। तो यदि आपको एग्जाम में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को बाई ग्राफिकल मेथड बोले तो आपको ऐसा ही डिराइव करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जैसे मैंने पहले बताया वैसे कर सकते हैं। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो ग्राफ है वो कॉमन होगा, यहाँ तक कॉमन होगा, सिर्फ ये डेरिवेशन के स्टेप्स चेंज हो जाएंगे, क्लियर। तो मैं यहीं से आपको चेंज करके बताता हूँ कैसे होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको पता है। यहां से हम क्या करेंगे, यहां देखिए आप एक ट्रेपेजियम है अपने पास, ये ट्रेपेजियम A B C D, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे जो कि एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है। तो इसके दो तरीके, आप दोनों के एरिया निकाल के सम करिए या आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट और टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी के इक्वल होगा। बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह जो उस ग्राफ का टोटल इनक्लोज एरिया होता है, ये टोटल इनक्लोज एरिया है, ये इतना एरिया, ये वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया, ये ग्राफ का टोटल इनक्लोज एरिया है जो कि कंप्लीट एक ट्रेपेजियम बनाता है। तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की इक्वल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एस से, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टू
सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन कौन सा है, ओ ए एंड बी सी, ये दोनों पैरेलल साइड है, तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस बी सी और इनटू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इसके और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या है, ओ सी है, या जिसको हम ए डी भी कह सकते हैं, दोनों इक्वल है तो ये ए डी हो जाएगा। दैट इंप्लाइज इसका वैल्यू पुट अप कर दिए, एस इक्वल टू 1/2 ओ ए, यहाँ देखिए ग्राफ से ओ ए किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, तो ये हो जाएगा यू प्लस बी सी किसके इक्वल है, वी के इक्वल है, तो ये हो जाएगा वी और इंटू ए डी, ए डी क्या है, टाइम है, तो ये टाइम के इक्वल हो जाएगा टी। दैट इंप्लाइज एस इक्वल टू 1/2, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पता है कि यू नहीं होता, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसका वैल्यू पुट अप कर दिए, तो यू इक्वल टू जैसे पहले किया था, तो यू प्लस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी और इंटू टी। दैट इंप्लाइज एस इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी इंटू टी। दैट इंप्लाइज एस इक्वल, अब क्या है, एटी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा एस इक्वल टू 1/2, बाहर आने दीजिए वो हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, 1/2 भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा, क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के बाद आप उसके वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने इसका वैल्यू पुट अप किया, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ करने के लिए बस हम लास्ट के 2 स्टेप में चेंजेस लाएंगे। जनरली स्टूडेंट ग्राफिकल मेथड को डिफिकल्ट समझता है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, आपको ग्राफ बस प्रॉपर एक्सप्लेन होना चाहिए कि हमने कौन कौन से एक्सिस में क्या लिया, कौन सा यू है, कौन वी है, कौन टी है, उसके बाद एक एक लाइन में इसका प्रूफ है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्टेंस यू वी और टी है, क्लियर। नेक्स्ट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको ये वर्क यहाँ तक करना है, इसलिए मैं सिर्फ इतना इरेज कर रहा हूँ, ओनली इतना पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, बस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप ध्यान रखिए मैं सिर्फ कितना पोर्शन इरेज किया, एरिया आप ट्रेपेजियम ही निकालना है, करना यहां तक करना है, और यहां पर सिर्फ क्या करना है आप लोग, एस इक्वल टू 1/2, ये होगा यू प्लस वी, यू प्लस वी इंटू, यहां से आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी का वैल्यू पुट अप कर दीजिए, टी का वैल्यू, तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से हम टी का वैल्यू निकालना चाहें तो इसको ट्रांसफर करते हैं वी माइनस यू अपॉन ए, ये टी का वैल्यू होता है, तो आप यहां से टी का वैल्यू यहां पर पुट अप कर दीजिए, तो यहां पर जब टी का वैल्यू आप पुट अप करेंगे तो हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए। दैट इंप्लाइज अब ये 2 को और डिनोमिनेटर के ए को यहां ट्रांसफर कर दीजिए तो हो जाएगा 2as, ये है v प्लस यू, ये v माइनस यू, ए माइनस बी, ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए का वैल्यू v है तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नाउ ट्रांसफर u स्क्वायर तो हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बहुत आसान है, इस पोर्शन में पहुँचने के बाद आप यहीं पर केयर करेंगे, जब आप इस स्टेप में पहुँचेंगे एरिया ट्रेपेजियम निकालने के बाद, अलग अलग बुक में आपको बहुत अलग अलग तरीके से डेरिवेशन मिलेगा, कई राइटर ने कई बुक्स ने क्या किया कि वहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के बजाय पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, फिर दोनों को सम किया, तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है। मेरी हमेशा होती है कि हम फार्मूला डेरिवेशन है, फिजिक्स के जितने भी फार्मूला डेरिवेशन हैं उनको हम फार्मूला यूज़ करके, प्रॉपर फार्मूला यूज़ करके उसको ईजी और शॉर्ट कर सकें, तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाता है। तो ये हमारा जो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को अभी हमने 2 मेथड से डिराइव किया, फर्स्ट जनरल मेथड एंड सेकंड इज ग्राफिकल मेथड, नाउ थर्ड मेथड इज इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे आपके एग्जाम में डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन बोले तो आप फ्री हो, आप किसी मेथड से बना सकते हो, लेकिन सपोज टीचर ने बोला
बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो ये जो मैं थर्ड मेथड बता रहा हूँ इसी के बेस पर ही आपको डिराइव करना है। और ऐसे भी इंटीग्रेशन मेथड इसलिए हमको समझना जरूरी है कि जब हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे ईजी होता है कैलकुलस का मेथड। नाउ थर्ड मेथड इज बाय इंटीग्रेशन मेथड। बाय इंटीग्रेशन मेथड देखिए, इंटीग्रेशन से हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है उसका यहां पर यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसका प्रूफ हम कहां से स्टार्ट करेंगे, देखिए नेचुरली हमारा मेथड इंटीग्रेशन मेथड है तो हम इस फार्मूला में जो यूज हुआ है उसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। नाउ वी नो दैट एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ये अपने को पता है कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी होता है। दैट इम्प्लाइज डी वी इक्वल टू ए इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेट, यदि हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी। अब यहाँ पर हमको लिमिट पुट करना पड़ेगा। देखो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन में टू वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसमें टू लिमिट होंगे। तो सपोज हमने इसका लोअर लिमिट यहाँ पुटअप किया, लोअर लिमिट इज यू एंड अपर लिमिट इज सपोज वी। नाउ इन दैट कंडीशन द लिमिट ऑफ टाइम, देन इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम जीरो एंड फाइनल वेलोसिटी इज टाइम टी। तो क्लियर हुआ किस तरह से अपन लिमिट पुट करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में अपन पुट करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। दैट इंप्लाइज वी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी लोअर लिमिट इज यू अपर इज वी, दैट इक्वल ए कॉन्स्टेंट है उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर किया इसको, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी लोअर लिमिट इज जीरो अपर लिमिट इज टी। नाउ पुट द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इंप्लाइज वी माइनस यू इक्वल टू ए इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इंप्लाइज वी माइनस यू इक्वल टू ए टी एंड दैट इंप्लाइज वी इक्वल टू ए प्लस ए टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। क्लियर, तो देखो हम वही फार्मूला अलग अलग मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, वही फार्मूला हम अलग अलग मेथड से कर रहे हैं। थ्री मेथड है इसके, 11th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका प्रूफ कैसे करेंगे अपन देखिए, अब यहाँ पर एस आया, एस के हिसाब से अपन फार्मूला डिसाइड करेंगे। तो किस फार्मूला में एस आता है, वेलोसिटी। सिंस वी इक्वल टू डी एस बाई डी टी, वी नो दैट वी इक्वल टू डी एस बाई डी टी, दैट इंप्लाइज टी को इधर ट्रांसफर करें तो डी एस इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू डी टी, दैट इंप्लाइज डी एस इक्वल टू यहाँ से v का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम पुट अप कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी डी टी। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलेगा डी एस इक्वल टू यू इंटू डी टी, यू इंटू डी टी प्लस ए टी डी टी। नाउ इंटीग्रेट, अब इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू टी डी टी। यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो बॉडी का इनिशियल पोजीशन सपोज जीरो था तो जीरो, सपोज फाइनल पोजीशन इज एस, इनिशियल टाइम इज जीरो फाइनल टाइम इज टी, हियर इनिशियल टाइम इज जीरो
एंड फाइनल टाइम इज टी। देखिए जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी के रेस्पेक्ट में लिमिट भी पुट किया जाता है। क्लियर? नाउ इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, देखिए डीएस का इंटीग्रेशन एस लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल, यू कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस ए बाहर हो जाएगा, टी का पावर वन है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू एस टू द पावर एन वाले फार्मूला से, कैलकुलस में आप पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा जीरो टू टी। दैट इंप्लाइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल यू इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस टू को बाहर कर दें तो ए बाई टू यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट तो जीरो वैसे रखने की उसको जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब इसको हम लोअर लिमिट माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं हटा देंगे तो हमारा इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई इंटीग्रेशन मेथड। क्लियर? एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज थर्ड इक्वेशन, बस आपको स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है कि हम किस मोशन कौन सा मोशन को प्रूफ करना है तो किस फार्मूला से उसको स्टार्ट करना है। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, सिंस यहां ध्यान रखिए यहां हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसमें एक्सेलरेशन आया है वेलोसिटी आया हुआ है और ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला है, यहां पर आप इसको ध्यान रखेंगे, यदि यहां का एडजस्टमेंट आप भूले तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, इसमें देखिए यहां पर हम डी एस मल्टीप्लाई करते हैं और डी एस डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों किया, ये डी एस और डी टी का जब हम पेयर बनाएंगे तो ये वेलोसिटी बनेगा, ये वाला वेलोसिटी बनेगा और एक्सेलरेशन तो है ही है और यहाँ से अपने को यू मिलेगा। तो यहाँ पर आप स्पेशली केयर करना मल्टीप्लाई डी एस एंड डिवाइड डी एस। नाउ दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू दिस डी एस बाई डी टी इज वी एंड डी वी बाई डी एस, ये वाला जो बच गया। अब डी एस को इसके साथ ट्रांसफर कर दीजिए तो ए इंटू डी एस इक्वल टू वी इंटू डी वी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें यदि आपके दिमाग से ये स्टेप निकल गया तो आप इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। अब आगे कुछ नहीं है, नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड ए डी एस इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी, नाउ पुट अप लिमिट, इनिशियल पोजिशन इज जीरो फाइनल इज एस एंड हियर लिमिट इज विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड फाइनल वेलोसिटी इज वी। लिमिट रखते समय आप केयर करेंगे कि लिमिट जो रखा जाता है वो इसके रेस्पेक्ट में रखा जाता है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। दैट इंप्लाइज ए तो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज एस, ये हो गया एस जीरो टू एस, दैट इक्वल वी का पावर यहाँ पर वन है और वी के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन होगा तो आएगा वी स्क्वायर अपॉन टू, वही एक्स टू पावर एन वाले फार्मूला से। दैट इंप्लाइज देखे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का आपने मेरा वीडियो तो देखा होगा, कैलकुलस का वीडियो आपने देखा होगा, तो इसीलिए मैं वहाँ पर कैलकुलस के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ। यदि आपका कैलकुलस का पोर्शन पुअर हो जाता है तो फिजिक्स में आपको हर स्टेप में प्रॉब्लम है। देखिए अभी 11th क्लास के स्टार्टिंग के चैप्टर से इतना ज़्यादा कैलकुलस यूज़ है, इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपको बार बार रिमाइंडर देता हूँ कि आप बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के मेरे 5 वीडियोस बार बार उसको रिपीट करिए और प्रैक्टिस करिए तो आप फिजिक्स ईजी हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल 1/2 को मैंने बाहर कर दिया तो अपर लिमिट माइनस वो लोअर लिमिट हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज ए एस टू किधर ट्रांसफर कर दीजिए तो टू ए एस इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फाइनली इट कैन बी रिटर्न एज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई इंटीग्रेशन मेथड। क्लियर? तो ये हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को 3 मेथड से डिराइव किया
और ये इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे। इसका कुछ स्पेशल कंडीशन है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सपोज उसको ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग इस फार्मूला को अप्लाई करना चाहें फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसे इसको मैंने ऐसा फ्रीली फॉलिंग कर दिया या मैंने इसको अपवर्ड ऐसा थ्रो कर दिया, दोनों कंडीशन में यदि फ्रीली फॉलिंग कर दूं या अपवर्ड थ्रो कर दूं, दोनों कंडीशन में ये फार्मूला चेंज हो जाता है। किस तरह से देखिए, सपोज ये हमारा ग्राउंड सरफेस है और यहाँ से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉलिंग कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पर अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम हाइट कहते हैं एच। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू है, यहाँ पर सपोज फाइनल वेलोसिटी वी है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो इस कंडीशन में जो ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, ध्यान देना। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखूँ तो वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये डाउनवर्ड के लिए, यदि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है डाउनवर्ड हो रहा है तो डाउनवर्ड होने के लिए। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा एच इक्वल टू यू टी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा यूज करेंगे। सपोज किसी न्यूमेरिकल में आपका जो न्यूमेरिकल है रेक्टिलिनियर मोशन ना होकर अपवर्ड डाउनवर्ड है तो ऐसा लिखेंगे। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, कौन कौन सा वेरिएबल यहाँ से सब्सिट्यूट हो गया, एक्सेलरेशन सिंपल एक्सेलरेशन की जगह में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा, और जो आपका एस था वो क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। यही यदि अपवर्ड हो, सपोज हम बॉडी को अपवर्ड करें तो हम माइनस हो जाएगा वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच फॉर अपवर्ड मोशन। क्योंकि जैसे हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं, जैसे मैंने इसको अपवर्ड थ्रो किया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है डाउनवर्ड होता है, तो साइन क्या हो जाता है माइनस। तो ये फार्मूला भी आप ध्यान रखेंगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ही है बट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए मूविंग बॉडी इन एंथ सेकंड। एंथ सेकंड का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ये भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ट्रेवल इन एंथ सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन एंथ सेकंड। एंथ सेकंड का मतलब क्या होता है पहले आपको यह समझना है, एंथ सेकंड इज नॉट एन सेकंड, एन और एंथ में डिफरेंस होता है। जनरली यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है, वो एंथ सेकंड को एन सेकंड समझ लेता है, ऐसा नहीं है। एंथ सेकंड इज वन सेकंड, एंथ सेकंड इज वन सेकंड, वाई वन सेकंड, बिकॉज द सेंस ऑफ एंथ सेकंड इज बिटवीन एन एंड एन माइनस वन, दैट इज एंथ सेकंड। यहाँ पर आप ध्यान से समझना, मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज मेरा एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट इसको पढ़ तो लेता है लेकिन जब इस फार्मूला को अप्लाई करना होता है तो इसको वहाँ अप्लाई कर देता है जहाँ पर एन सेकंड का बात होता है। देखिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, सपोज ये कोई पाथ है, ट्रेवलिंग पाथ है ए बी सी डी ई एंड सो ऑन। सपोज ये कोई बॉडी यहाँ से मोशन स्टार्ट किया और वन सेकंड में यहाँ पहुँचा, टू सेकंड में वो यहाँ पहुँचा, थ्री सेकंड में यहाँ पहुँचा, फोर सेकंड में यहाँ पहुँचा, या आवर में फाइव में यहाँ पहुँचा। अब मैं आपसे ये पूछूँ डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इन फोर्थ सेकंड, फोर्थ सेकंड का मतलब क्या होगा, नॉट फोर, फोर्थ। तो जब थ्री कंप्लीट होता है, थ्री कंप्लीट होता है तो यहाँ से फोर्थ स्टार्ट होता है, जब थ्री मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मेरा फोर्थ सेकंड का स्टार्ट होगा, और फोर जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तो ये जो मैं ब्लू इंक से यहाँ पर निशान बनाया ये फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन फोर्थ सेकंड का मतलब है फोर माइनस थ्री। अब इसको हमको फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, यदि हमको ये पता हो कि स्टार्टिंग से लेके फोर सेकंड में वो कितना, ए फोर्थ नहीं है ना, ए फोर है,
माने 4 सेकंड में यहां से यहां तक गया, और वो 3 सेकंड में, 3 सेकंड में कहां गया, यहां से यहां तक गया। तो 4 सेकंड में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, उसमें से यदि मैं 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा क्या, 4th सेकंड मिल जाएगा। बात आ रही समझ में? यदि आप इस बात को नहीं समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैंने बहुत अच्छे से बताने का कोशिश किया कि आपको मैं ये बता सकूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth सेकंड। nth सेकंड इज नॉट n सेकंड, nth सेकंड इज बिटवीन n एंड n माइनस 1, उसके ठीक पहले। जैसे 4th सेकंड का मतलब होता है बिटवीन 4 एंड 3rd, बिटवीन 4 एंड 3। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड इज रिटन एज दैट इक्वल, मैं इसका कोई सिंबल ना देके डायरेक्ट इसका इक्वल लिख रहा हूं, दैट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड इक्वल एस एन, मतलब टोटल n सेकंड माइनस एस एन माइनस 1। तो n सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर t टाइम है, लेकिन हमने यहाँ पर टाइम किसको लिया हुआ है, n को लिया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर n, इसमें कन्फ्यूज मत होंगे आप। ये फार्मूला आप लगा दूं मैं यहाँ तो क्या हो जाएगा, un प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, u इंटू एन माइनस 1। अब t के जगह में क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 1/2 ए एन माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर? ये हुआ n सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, ये हुआ n माइनस 1 डिस्टेंस। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। नाउ सिंप्लीफाई, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करिए इसके इसके साथ में, ये हो जाएगा यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपांड करते हैं तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, दैट इक्वल यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस, इसके साथ 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस ए एन, एंड द लास्ट इज 1/2 ए। नाउ ओपन द ब्रैकेट, दैट इक्वल यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, अब माइनस मल्टीप्लाई होकर सब माइनस हो जाएगा, माइनस यू एन माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस ए एन माइनस 1/2 ए। क्लियर? दैट इंप्लाइज, यहां पर देखिए कौन कौन से क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ये यू एन, यू एन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर हाफ ए एन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या क्या, देखिए यहां से बचेगा ए एन माइनस 1/2 ए। क्लियर? यू प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस यू एन, ये लिखना मैं भूल गया, ये प्लस यू भी बचेगा यहाँ पर, प्लस यू यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्लस यू माइनस प्लस यू, क्या आ जाएगा यू प्लस ए एन माइनस 1/2 ए, दैट इंप्लाइज यू, यहाँ से हम चाहें तो 1/2 ए कॉमन कर सकते हैं, ये 1/2 ए को मैंने कॉमन किया तो यहाँ से 1/2 कॉमन हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए तो कॉमन हो गया तो 2n माइनस 1। ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। क्लियर? तो डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम किसी न्यूमेरिकल में 7th सेकंड 8th सेकंड 9th सेकंड इस तरह से यदि क्वेश्चन में बोले तो आपको इमीडिएट समझ जाना है कि ये यूज करना है। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो कि ये फार्मूला यूज कर देता है, एंथ बोले, सेवंथ बोले, नाइन्थ बोले, तो आपको ये फार्मूला यूज नहीं करना है, ये फार्मूला यूज करना है, इसी का सब्स्टिट्यूट फार्मूला है। क्लियर? इस तरह से हमने आज अपने काइनेमेटिक्स के सेकंड पार्ट के इस सेशन में ओनली इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा। मैं अपने इस सेशन को ओनली इक्वेशन ऑफ मोशन पर इसलिए क्लोज कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका अगेन एंड अगेन रिविजन कीजिए और इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, और आगे भी अपन मैकेनिक्स का जो पोर्शन पढ़ेंगे वो सभी पोर्शन में
ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, थैंक यू।